जय श्री महाकाल आदेश। आज का वीडियो एक ऐसी जानकारी के ऊपर है कि जिससे आप सभी बड़ी सुलभता से उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए आप कई उपाय करते घूमते हैं। तो कई उपायों को कुछ नहीं करना है, कुछ विशेष सूत्र हैं और कुछ विशेष आकृतियां हैं। उन आकृतियों को विशेष धातु में उकेर कर या उन्हें उन धातु की तावीजों के रूप में बनवाकर धारण करने से आप उन सभी दुर्गम कार्यों को, उन असंभव वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाथी दांत से बनी हुई तावीज, या हाथी दांत एक तावीज में लगवाकर उसके एक टुकड़े को, या हाथी दांत की किसी भी तरीके की आकृति को आप ताबीज में जड़वा कर अगर आप धारण करते हैं तो उससे क्या लाभ है? उससे लाभ ये है, शनि देव के उच्च प्रभाव को यानी उनकी कृपा को बढ़ाकर सुख समृद्धि और उस पहनने वाले को रहस्यवादी बनाता है। तो ये है हाथी दांत। अगर व्यक्ति धारण करता है तो उसे शनि देव के वक्री दृष्टि से बचाती है ये ताबीज, और शनिदेव की कृपा को बढ़ाकर उस धारक के लिए सुख समृद्धि का रास्ता खोल देती है और उस व्यक्ति को रहस्यवादी बनाती है। अब जैसे एक और है हाथ की आकृति यानी पंजे की आकृति, जो कि सामने आशीर्वाद मुद्रा में हो, ऐसे अगर उस ताबीज को आप धारण करते हैं तो ये ताबीज आपको तंत्र प्रयोगों से और काले जादू से बचाती है। अगर आप सीढ़ी की आकृति, सीढ़ियां आपने देखी होंगी, वो सीढ़ी होती है ना, दो डंडे होते हैं बीच बीच में, ऐसे डंडे होते हैं, ऐसी आकृति तीन पंक्ति हो उसमें केवल, मतलब दो डंडे लगे हों, तीन चढ़ने वाली डंडी लगी हो, ऐसी आकृति ऊपर छल्ला लगाओ जिसको आप धारण कर सके, तो सीढ़ी की आकृति आप बनवा कर और उसको धारण करें। उससे क्या लाभ होता है? उससे लाभ होता है केतु देव की शक्ति बढ़ाकर और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कराती है, उनकी शक्ति भी बढ़ा देती है। और उनकी कौन सी शक्ति बढ़ाती है? जो धारक के ऊपर कृपा के रूप में है। तो इससे क्या लाभ होता है? उन्नति, प्रगति और सफलता। जिस कार्य में जैसे कोई जॉब तलाश रहे हैं तो वो अगर इस तरीके का धारण करते हैं तो वो लाभान्वित होंगे। कोई छात्र है पढ़ाई कर रहे हैं और उनके ऊपर केतु दोष है, या कोई ऐसे जो रुकाव हो रहा है उनके कार्य में, रुकावट आ रही है उनके कार्य में, तो इस तरीके का उपाय करने से वो समस्याएं हट जाती हैं। चौथी, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक तो आपने देखा होगा, सीधा स्वास्तिक जैसा बनाया जाता है वैसा स्वास्तिक, उल्टा नहीं। सीधा स्वास्थ्य क्या करता है कि सीधे स्वास्थ्य को धारण करने से जिस कुंडली में सूर्य प्रभावशाली है लेकिन उनकी डिग्री बहुत कम है, सूर्य बहुत कमजोर है, तो उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए आप स्वास्थ्य धारण करें। अब क्या है कि कुछ चीजों में विशेष धातुओं के बनवाए जाते हैं, कहीं चांदी का बनेगा, कहीं तांबे का बनेगा, कहीं स्वर्ण का बनेगा, तो आप स्वर्ण के स्वास्थ्य बनवाएं, और स्वर्ण के लायक अगर व्यवस्था ना हो पा रही हो तो आप तांबे की भी बनवा सकते हैं। तांबे के स्वास्तिक बनवाइए और उनको सूर्य देव के मंत्र से अभिमंत्रित करिए और अभिमंत्रित करने के बाद धारण कर लीजिए। तो अगर आप माणिक्य नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए ये माणिक्य से ज्यादा शक्तिशाली है उपाय। तो सूर्य देव का जब बल बढ़ जाता है तो यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन, वैभव, यश सबकी प्राप्ति होती है धारक को। अब पांचवें नंबर पे उल्टा स्वास्थ्य। उल्टा स्वास्थ्य अगर आप धारण करते हैं तो यह अंधकार का प्रतीक है, यह गृहस्थ के लिए नहीं है। यह क्या कार्य करता है कि जब आप पिशाच सिद्धि, तंत्र प्रयोग, काला जादू
या वामपंथी साधना अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए विशेष फलदायी है। ये आप धारण करेंगे तो आपको वो ऊर्जाएं अपने आप संपर्क करेंगी जिनके लिए आप प्रयासरत, क्योंकि ये अंधेरे का प्रतीक है। ये वो पोर्टल खोलता है जो आप जिसमें आप संलग्न है, काली शक्तियों वाला द्वार ये खोल देता है, तो इससे आपके पास वो शक्तियां स्वयं संपर्क कर पाएंगी, वो आप उन साधनाओं में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। छठा नंबर, सर्प दंड तावीज। आपने देखा होगा दो सर्प ऐसे लिपड़े होते हैं, ऊपर उनके ऐसे फन होते हैं और बीच में एक दंड होता है, दंड के ऊपर एक मणि होती है और सर्पों के पंख भी हो, मतलब फन के पास दो दो पंख, ऐसा दंड सर्प दंड। ये दंड किसकी ताबीज किनको पहनना चाहिए? जो प्रशासनिक अधिकारी ऊंचे पद पे हैं। तो क्या होता है कि इस दंड को धारण करके, इसको अभिमंत्रित करके, कुछ विशिष्ट मंत्र होते हैं, इनको अभिमंत्रित करके धारण कर ले जो व्यक्ति, तो जो वो बात कहेगा कोई काट नहीं पाएगा उसकी बात, और उसकी जो क्षमताएं हैं, जो ताकत है, जो पावर है उसकी बुद्धि की, उसकी आंतरिक जो है, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो पूर्ण रूप से 100% बढ़ जाएंगे। तो सर्प दंड की ताबीज, ताबीज नहीं वो आकृति, सर्प दंड की आकृति अगर विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित की जाए, इनके मंत्र होते हैं तो इन मंत्रों से अभिमंत्रित की जाए और अभिमंत्रित करके, ये सभी जितनी मैंने बताई है सभी अभिमंत्रित होंगे, ऐसे तो ये साधारण वस्तु है, लेकिन क्या होता है कि अभिमंत्रित करने पर वो आकृति भी है, वो मंत्र भी है, वो ऊर्जाएं भी, और सभी अगर लगा दी गई तो फिर वो चीज, क्योंकि आप अभिमंत्रित करके कोई भी ताबीज धारण करोगे और अगर वो आकृति नहीं है तो 60% को कार्य करेगी, लेकिन अगर वही आकृति है जो उसके लिए चाहिए तो फिर वो पूरा 100% कार्य करती है। तो सर्पदंड धारण करने से जो मुखिया है या मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं या जो आगे चलने वाले हैं, उनके लिए उनकी क्षमताओं को ये ताबीज 100% बढ़ा देती है। तो सातवां है कलश। कलश की आकृति कैसी कि गोल मटका हो, ऊपर पत्ते हो, ऊपर एक नारियल की आकृति हो, उसके ऊपर कुंदा लगा हुआ हो, वो आप पहने, उससे क्या लाभ है? तो कलश की आकृति जो व्यक्ति अभिमंत्रित करके धारण करता है तो भाग्य की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा उस व्यक्ति पर होती है और उसके धन के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन बिना अभिमंत्रित किए ये समझिए कि ये सभी एक शरीर है, इनमें आत्मा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये निर्जीव शरीर की तरीके से, तो अभिमंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो इन सभी जितनी आकृतियां मैंने बताई हैं, इन सभी को उनके विशेष मंत्रों से अगर आप अभिमंत्रित करके धारण करते तो ये उसी तरीके से लाभ देंगे आपको जैसे मैंने बताया। और अगर आप आठवीं एक और है कि अगर आप सितारे के चिन्ह वाले, एक सितारा नहीं, एक ऐसी वर्गाकार एक ताबीज बनेंगी, उस पे सितारे उकेरे जाएंगे, और सितारे उकेरने के बाद इसे भी किसी विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा, और अभिमंत्रित करने के बाद ये क्या लाभ देता है कि जिनके लक्ष्य दुर्लभ है, दुर्गम है, कैसे किसी को विदेश में अपनी पीआर बनवानी है या निवास बनवाना है और वहीं की नागरिकता प्राप्त करनी है, ये दुर्गम है, जटिल है, तो ये दुर्गम कार्य है। तो ये अगर ये ताबीज, ये आकृति और इस ताबीज की आकृति वो धारण करता है उन विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित कर, तो दुर्गम लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और उसके कार्य जो जटिल है बड़ी सुलभता से होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे कुछ 7-8 आकृतियां और उनके पहनने या धारण करने के लाभ, लेकिन मूल है कि ये एक निर्जीव है,
और इनमें ऊर्जा प्रवाहित करने की। तो ऊर्जा प्रवाहित करने से ये ऐसा ही कार्य करेंगे जो उनके लाभ मैंने आपको बताए। तो धारक बिना कोई कठिन परिश्रम करे इन सभी कार्यों को सुलभ कर सकता है। जैसे किसी के सूर्य देव कमजोर है कुंडली में और वही मालिक हैं, लग्नेश हैं, वो लग्नेश हैं और सूर्य देव कमजोर हैं, तो वो व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है। तो वो कैसे बलिष्ठ करे? तो इनका एक और है कि वो कम से कम 21 माला ओम घने सूर्याय मंत्र का, ओम घने सूर्याय नमः मंत्र का जाप करे, 5 या 7 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करे, तो इसमें वक्त लगता है। तो अगर वो अपने सूर्य देव के डिग्री को बढ़ाना चाहता है, उनकी पावर को बढ़ाना चाहता है, उन्हें ऊर्जा देना चाहता है, तो वो स्वास्थ्य को विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण कर सकता है। ऐसे ही सभी आकृतियां हैं, सभी की धातुएं अलग अलग हैं, किस धातु में किस आकृति को बनवाना है और किन मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। तो ये जो है, अगर आप चाहें तो साधारण रूप से बनवा कर उन आकृतियों को धारण कर सकते हैं, लेकिन वो 20-30% ही कार्य करेंगी। और अगर उन्हें ऊर्जावान बना लिया गया तो पूर्ण 100% कार्य करेगी। तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो वॉल्यूम कोरियर के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं, उसमें जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके। और अगर आप साधारण किसी विषय पर जानकारी ऐसे ही लेना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।